Hi everyone, today we are going to learn a tense that is progressive in its action. What I mean by this? I mean to say the doer or subject is doing his action at the time of speaking. जब बात कही जा रही है तब doer यानी कर्ता कार्य को करने वाला अपना कार्य कर रहा है. Yes, I am talking about present continuous or present progressive tense. Listen, from the beginning of this video I am speaking in PCT or we can call this PPT, present progressive tense. इस वीडियो की शुरुआत से ही मैं present continuous या present progressive tense में बोल रही हूँ. रही हूँ को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए. So without any further ado, let's get started our topic PPT or PCT, that is present progressive tense. We call it present continuous tense also. Action is going on. काम चल रहा है. हिंदी में इसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ से समझते हैं. Verb forms इसकी देखिए. Auxiliary verb, helping verb is MR का यूज होता है और main verb first form में ING present participle लगता है. Affirmative sentences में subject plus be is MR में से कोई भी, main verb में ING लगता है. Negative में subject plus be is MR, be क्या है? Is MR. Not plus main verb में ING लगता है. Interrogative sentence are of two types, we know that. Be plus subject plus main verb में ING, question mark. WH के शब्दों में be यानी is MR plus subject plus MV plus ING, main verb में ING, question mark. Singular subject हम देख लेते हैं. He, she, it pronoun plus is लगता है उसके साथ में. प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है सारे, आर लगता है और आई के साथ ऑलवेज क्या आता है? एम आता है. एक्शन इन प्रोग्रेस वाइल स्पीकिंग, बोलने के समय एक्शन चल रहा है. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, बच्चे अब खेल रहे हैं. वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, हम इंग्लिश सीख रहे हैं अब. Number 2, an action is going on intermittently but not necessarily at the time of speaking. ऐसा action present tense का प्रयोग किया, present continuous का प्रयोग किया जाता है ऐसे कार्य के लिए जो रुक रुक के चलता है और आवश्यक नहीं है कि बोलते समय चल ही रहा हो. Look at these examples. She is knitting a sweater for her brother. वह अपने भाई के लिए स्वेटर बुन रही है. हो सकता है वो अभी कोई और काम कर रही हो, पर दीज डेज शी इज नीटिंग अ स्वेटर, वह एक स्वेटर बुन रही है अपने भाई के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर पे एक बुक लिख रही हूँ. हो सकता है मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, पर दीज डेज आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर. तो आपने देखा कि रुक रुक के चलने वाले काम में जो इन दिनों चल रहा है उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है. We use present continuous tense in future programs with verbs denoting movement. Look at these sentences. We are going to Bundi tomorrow. कल जा रहे हैं, भविष्य काल में जा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं present continuous tense का. Near future है. What are you doing tonight? आज रात को near future में आप क्या कर रहे हो, इसमें भी present continuous का use किया जाता है. नेक्स्ट यूज डेवलपमेंट एंड चेंजेस. शी इज पुटिंग ऑन वेट दिस डेज, आजकल वह वजन बढ़ रहा है उसका. हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, और जो डेवलपमेंट है विकास की शोर हो रहा है कि मकान के भाव दोबारा बढ़ रहे हैं. नाउ वी विल सी विच एडवर्ब यूज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट मीन्स WI. WI मीन्स वर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि हमें यह पता चले कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो लेट्स सी, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, वाइल, स्टिल प्रेजेंटली, नाउअडेज, दीज डेज आर ऑफन यूज इन दिस टेंस. लिसन केयरफुली दीज सेंटेंसेस. सीता इज रीडिंग अ बुक while her sister Geeta is playing. Sita book पढ़ रही है जबकि while उसकी बहन Geeta खेल रही है. Next sentence is, look, देखो, Radha is watering the plant. राधा पौधों को पानी डाल रही है. तो देखा आपने किस तरह से आप WI के यूज से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचान सकते हो.
Another point is present continuous tense is used with always for unpleasant activities. Always के साथ हमेशा जब activity अच्छी नहीं होती, हमें अच्छी नहीं लगती, उसके लिए use किया जाता है. For example, he is always teasing me, वह हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है. ध्यान से सुनिएगा, नॉन प्रोग्रेसिव और स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर एक्शन में नहीं यूज़ में ली जाती. जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अवबोधन मीन्स पांच इंद्रियों फाइव सेंसेस को बताने वाली वर्ब्स जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर, प्लीज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं की जाती जनरली. वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नाउ, मीन, माइंड, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ की जाती. वर्ब ऑफ शोइंग पोजेशन, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेन, दीज आर द वर्ब, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं होती. वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, लव, वॉन्ट, विश, डिज़ायर, हैड, ये भी मोस्टली यूज़ नहीं होती, इनका यूज़ अलग तरीके से होता है. नंबर फाइव, वर्ब इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रेजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जनरली यूज़ नहीं होती. हमने यह तो देख लिया, स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस में नहीं लेंगे. स्टेटिव वर्ब्स मीन्स विच एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस और स्टेट रादर देन एक्शन. स्थिर दशा या अवस्था बताने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं. पर जब स्टेटिव एक्टिविटी हो तब सेम वर्ब्स प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होती हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस, सेम वर्ब्स इन डिफरेंट यूजेस, स्टेटिव एक्टिविटी और दूसरी तरफ लिखी हुई है प्रोग्रेसिव एक्टिविटी. द रोज स्मेल स्वीट, स्टेटिव एक्टिविटी है. शी इज स्मेलिंग रोज, वह रोज को स्मेल कर रही है, अभी कर रही है. रोज स्मेल्स स्वीट, वह हमेशा अच्छा ही खुशबूदार ही होता है. नेक्स्ट, ही लिव्स इन चेन्नई, वह चेन्नई में रहता है. ही इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, टेम्प्रेरी एक्टिविटी. ही हैज़ अ लार्ज हाउस टू लिव इन, उसके पास घर है, स्थिर अवस्था है ये. ही इज़ हैविंग लंच नाउ, वह अभी लंच कर रहा है, ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है. इट लुक्स इट में रेन सून, ऐसा लगता है, स्थिर अवस्था है कि बारिश हो सकती है. शी इज़ लुकिंग एट द स्काई, अभी वो टेम्प्रेरी एक्टिविटी है कि वह अभी आसमान की ओर देख रही है. आई थिंक शी इज़ अ माइजर, मुझे लगता है कि वह कंजूस है. आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चेन्नई, मैं चेन्नई छोड़ने की सोच रहा हूँ. आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, ये एक स्टेटिव एक्टिविटी है, स्थिर बात है. She is loving her daughter, वह अपनी बच्ची से प्यार कर रही है अभी नाउ, वह ये एक प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है. तो देखा आपने, इस तरह सेम वर्ब जो है वह स्टेटिव एक्टिविटी में और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में किस तरह से चेंज हो जाती है. So students, present continuous is a progressive tense. Sometimes actions may be temporary, but your action of learning English should be permanent. Don't study by fits and starts. Be perpetual and progressive as present continuous tense. We are going to meet again soon. Thanks for watching. Bye-bye.